नमस्ते, मैं डॉक्टर मिनी इंदिरा आईवीएफ बेगूसराय से बात कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे IUI के बारे में। IUI जिसे हम इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन भी बोलते हैं और इसे हम कृत्रिम गर्भाधान भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में पुरुष के वीर्य के नमूने को एक अलग तरीके से वास किया जाता है और फिर धुले हुए शुक्राणु को एक पतली नली के द्वारा औरत के गर्भाशय में सीधे स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया में पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बॉर्डरलाइन होनी चाहिए, 10 से 15 मिलियन के बीच में होनी चाहिए, उसकी गतिशीलता 50% से अधिक होनी चाहिए और महिला के अंडाशय में अंडे अच्छे से ग्रोथ होने चाहिए, बनने चाहिए, फूटने चाहिए। दोनों साइड की ट्यूब खुली होनी चाहिए। औरत की जो गर्भाशय की परत होनी चाहिए वो हेल्दी होनी चाहिए और गर्भाशय भी स्वस्थ होने चाहिए। यह प्रक्रिया उन कपल्स में भी की जाती है जिनकी सारी रिपोर्ट्स सामान्य हो या पुरुष जिनके वीर्य में शुक्राणु नील हो, वैसे पुरुष भी डोनर स्पर्म के द्वारा IUI करा सकते हैं या पुरुष जिनकी वीर्य की जो में शुक्राणु की संख्या हो वो बॉर्डर लाइन हो, उन्हें इस प्रोसेस से सफलता मिल सकती है। इस प्रोसेस की जो सफलता है वो 10-15% के बीच में होती है और खर्चा भी लगभग 5,000-10,000 के बीच में होता है। और ऐसे भी कोई भी दंपति जिन्हें कोई निसंतानता की प्रॉब्लम हो वो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या नीचे दिए गए एड्रेस पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।